लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे, जिसे लेकर पूरे देश के प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। बलौदाबाजार जिले में भी लोकसभा चुनाव के मतगणना के लिए कृषि उपज मंडी में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बलौदाबाजार कलेक्टर के एल चौहान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जांजगीर लोकसभा के कसडोल और बलौदाबाजार एवं लायपुर लोकसभा के भाटापारा क्षेत्र की गिनती बलौदाबाजार की कृषि उपज मंडी में की जाएगी, जिसमें कुल 990 मतदान केंद्रों की ईवीएम की गणना की जानी है। जांजगीर लोकसभा के कसडोल के लिए 21 टेबल, बलौदाबाजार और भाटापारा के लिए 14-14 टेबल गिनती के लिए लगाए गए हैं। वहीं कसडोल में मतगणना 20 राउंड में, बलौदाबाजार के लिए 22 और भाटापारा के लिए 21 राउंड में पूरी की जाएगी। इसके साथ ही मतगणना केंद्र की सुरक्षा के लिए 150 जवान तैनात किए गए हैं। स्ट्रांग रूम के पास ही काउंटिंग हॉल बन गए, तीनों विधानसभा के 3 काउंटिंग हॉल बन गए, सारे चीज़ें हमारी हो गई है। ये सारे जो फिजिकल व्यवस्था करना होता है वो सब यहाँ पे इंटरनेट के लिए सुविधाएँ होती हैं, वीट लाइन सुरक्षा के जितने उपाय हैं सब जुड़ा है, वायरिंग वगैरह जो करना होता है हमारे लिए सब कर दिया है। साथ ही जितने भी जो टेबल में बैठने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी तृतीय चरण का चयन हो चुका है, ट्रेनिंग दिया गया था। उसके बाद मेरे बीच में ऑब्जर्वर भी आ चुके हैं, काउंटिंग ऑब्जर्वर, वो भी उनके उपस्थिति में भी कर्मचारियों का ट्रेनिंग हो चुका है। सारी व्यवस्थाएं लगा दी चुकी है। राजनीतिक दलों की हम लोगों ने बैठक लेकर के प्रोटोकॉल और जो सुरक्षा और जो गोपनीयता होता है वो भी बता दिया है। और आज प्रेस प्रतिनिधि जो आप लोग सारी चीज़ें बताए, इस तरह से हमारा 100% तैयारी होगी, तैयारी में पूरी देखते हुए हमने स्ट्रांग रूम में 3 लेयर की सुरक्षा जो ऑलरेडी पहले से लगी हुई, जिसमें एक SSB की जो आधी कंपनी है, साथ ही साथ जो CF की एक बल लगी हुई है, इसके अलावा हमने 150 का जो अतिरिक्त जो बल है हमारे जिला पुलिस की ओर से लगाया है, जिसमें इसको 3 सेक्टर में बांटा गया है। हर एक सेक्टर में एक एक DSP रखे हैं, इस प्रकार टोटल 3 DSP एक रखे हैं और एक SSP, और साथ ही साथ 20 के इंस्पेक्टर और 150 का अतिरिक्त बल है। इसके माध्यम से हमने उस एरिया को बांटा है, हर जगह पुलिसिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ इसके लिए हमने 6 QRT की टीम रखी, ताकि जीतने के पश्चात जो विजय जुलूस निकलता है या अन्य अपनी स्थिति निर्मित होती है उसके लिए हमारी 6 QRT की टीम है। साथ ही साथ मैं सभी जो वहाँ के एजेंट हैं या जो मीडिया के साथी हैं या अन्य लोग जो मतगणना की प्रक्रिया देखने आते हैं, उसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मोबाइल या जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जैसे स्मार्ट वॉच लेकर आना है, क्योंकि वो प्रतिबंधित है और हमारे चेकिंग के दौरान उस चीज़ों को मनाई की जाएगी।